डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो चैप्टर नंबर 3 था अपना, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे रोमन न्यूमरल्स की, चैप्टर नंबर 4। ये आपका कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4, रोमन न्यूमरल्स की बात करेंगे। तो एक सबसे पहले हमने थोड़ा बहुत पहले वाली क्लासेज में थोड़ा बहुत रोमन न्यूमरल्स के बारे में जानकारी ली होगी, पढ़ा होगा। तो रोमन न्यूमरल्स थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स भी पड़ेंगे और छोटी प्रॉब्लम्स भी पड़ेंगे। तो रोमन न्यूमरल्स में जैसे अपने नंबर सिस्टम की बात करें, तो आवर नंबर्स कौन से होते हैं, या अपने जो नंबर्स हैं जो हम यूज करते हैं, और रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे उनको, रोमन न्यूमरल। अब देखो, जैसे मैंने लिखा 1, तो 1 को लिखेंगे रोमन न्यूमरल में 1। फिर बात करते हैं 5, 5 को लिखेंगे ऐसे। और ये हम सिंपल इनके ऊपर जो ये डंडे लगा रहे हैं, यानी इनको चारों तरफ से राउंड कर रहे हैं, ये नहीं करते जनरली, ये मैंने कर दिए, वैसे करते नहीं हैं, सिंपल ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और फिर बात करते हैं 10 की, तो 10 कैसे लिखा जाएगा, एक्स। यानी 1 को क्या लिखते हैं हम, आई। 5 को क्या लिखते हैं हम, वी। और 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 को हम क्या लिखते हैं, एक्स। ये हम रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। अब हम इसके बेस्ड कुछ नंबर्स लिख कर देखते हैं। जैसे मुझे लिखना है 20, तो 20 को मैं कैसे लिखूँगा। अब 20 लिखना है मुझे, तो यहाँ पर एक्स है, इसको मैं दो बार लिख दूंगा, यानी एक एक्स टेन, एक एक्स टेन, यानी ये नंबर कितना हो गया, 20। ऐसे ही बात करूं मैं, इसके अंदर मुझे लिखना है 12, तो 12 कैसे लिखूंगा मैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स। और ये 10 है, एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 से। अब कोई भी हम रोमन नंबर्स लिख रहे हैं, तो अगर एक्स क्या है, ये एक 10 है, 10 है इसका एग्जैक्ट, इसका कितना है, 10 है हमारे पास, 10 है। इसको नंबर्स की बात करें तो 10 बोलते हैं इसको। अब इसके इधर अगर मैं लगा दूं कुछ, मान लो इधर मैंने क्या लगा दिया, एक डंडा लगा दिया, यानी 1 का, तो इस साइड लेफ्ट साइड लगाऊंगा तो क्या होगा, रोमन न्यूमरल्स में बात करें, यानी कोई डिजिट मतलब किसी नंबर को लिख रहे हैं, उसमें इस साइड लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये इस 10 में से घट जाएगा। यानी छोटा नंबर अगर इस साइड लगाते हैं, स्मॉलर नंबर लेफ्ट हैंड साइड लगाते हैं, यानी ये छोटा एक 10 से इधर लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, 9 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, 9 कहलाएगा। बट अगर हम इसके आगे की साइड लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, 11। और एक डंडा और लगा दिया आगे, क्या बन गया, 12, तो ये क्या कहलाएगा, 12, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 12। यानी रोमन न्यूमरल्स में हम नंबर्स को ऐसे लिखते हैं। यानी अब बात करते हैं कुछ और, हम छोटे से एक दो चार एग्जांपल और लेते हैं, उनको देखते हैं कैसे लिखते हैं। हमने रोमन न्यूमरल्स की बात करें तो आगे इसमें जैसे हमने लिखा, या फिर रोमन न्यूमरल्स में लिखा हो उसको हम कैसे रीड करेंगे, जैसे मैंने ये लिख दिया, इसको हम कैसे रीड करेंगे। अब इसको देखो, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, यानी 10, 10, 10 और 1, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 31। कितना हो जाएगा ये, 31। यानी 10 और 10 और 10, 30 और एक ही आगे, आगे की साइड है ना ये, 31। यानी कितना हो जाएगा ये, 31। ऐसे ही बात करें, जैसे क्वेश्चन और दे दे, वो ऐसे क्वेश्चन दे दे कोई, इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा ले आपसे वो, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। अब देखो ये कितना हमारे पास, 10 और 10 20 और 2 22, यानी 22 है ये। इसको अगर न्यूमरल्स में पढ़े हम, नंबर में पढ़े हम, तो क्या ये 22 है। और ये 5 है, 5 के इधर लिखा हुआ है 1, एक डंडा लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 कम हो जाएगा 5 से, यानी इधर लगाया तो क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा ये, 4। ये दोबारा देखो, आपको दिखाई नहीं दिया होगा स्क्रीन में, मैंने अभी ध्यान दिया, ये 10, ये 10, ये 1, ये 1, यानी कितना हो गया। और इधर की साइड अगर लिखा हुआ है कोई भी नंबर छोटा है, इस नंबर से छोटा राइट साइड लिखा है, तो वो काउंट होगा, ऐड हो जाएगा उसमें। और इधर की साइड लिखा है तो क्या होगा, वो काउंट नहीं, मतलब वो काउंट नेगेटिव करेंगे, यानी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पूरा काउंट करेंगे उसमें, पूरा काउंट करेंगे तो उसमें क्या कर देंगे, वो घटा देंगे वो जितना भी है। यानी यहाँ पर क्या है, 10, 10, 20, और ये 2 और ऐड हो गए, यानी 22। और यहाँ पर क्या है, 5 और 5 में से एक घटा दिया हमने, कितना आ गया, 4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 22 में से 4 जाएंगे 22, यानी यहाँ पर 22 है, तो 12 माइनस 4 8, और 1 बचा 18। और 18 को न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, अब हम 18 को कैसे लिखेंगे, एक्स। और अब 8 बच गया हमारे पास, 8 को कैसे लिखेंगे, 8 के लिए क्या है, 5 के अंदर मैं कितने डंडे जोड़ दूं, 3 डंडे जोड़ दूं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एक्स
VIII, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। यानी रोमन न्यूमरल्स के बारे में ये मैंने थोड़ा सा बेसिक से बताया, अब मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा आपको, इसके सारे रूल्स बताऊंगा। अभी देखो आगे इनके रूल्स बेसिस पे पूरा कंप्लीट, ये मैंने थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दिया है कि रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं और पढ़ते कैसे इनको और लिखते कैसे। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, रोमन क्या याद रखना है, वो मेन चीज बता रहा हूं मैं। रोमन न्यूमरल्स क्या है और इसको, ये जो नंबर सिस्टम लिखते हैं हम, यानी जो नंबर लिखते हैं 1 2 3 5 ये ऐसे, इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी बोलते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब बात करें हम, ये लिखा है आई, आई को हम क्या पढ़ते हैं 1, वी को हम क्या पढ़ते हैं 5, उसके बाद बात करें एक्स को हम क्या पढ़ते हैं 10, उसके बाद बात करें एल को हम क्या पढ़ते हैं 50, उसके बाद बात करें सी को हम क्या पढ़ते हैं 100, डी को हम क्या पढ़ेंगे 500, उसके बाद एम को हम क्या रीड करेंगे 1000, ऐसे। यानी ये हम क्या करेंगे, ऐसे रीड आउट करेंगे इनको। अब इसके रोमन न्यूमरल्स है, मैंने क्या पढ़ा, 1 को हम वाई से नोट करते हैं, 5 को हम वी से, 10 को हम एक्स से, 50 को हम एल से, 100 को हम सी से, 500 को हम डी से और 1000 को हम एम से करते हैं। यानी ये हमारे पास इसका रोमन न्यूमरल्स का पैटर्न, यानी कौन से डिजिट को हम क्या लिखते हैं, यानी किस नंबर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे हम पूरे कंप्लीट नंबर्स को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो। सबसे पहले बात करते हैं रूल वन की, रूल नंबर वन। रूल वन क्या कहता है, वेहन ए लेटर इज यूज्ड मोर देन वंस, मोर देन वंस वी एड इट्स वैल्यू ईच टाइम टू गेट द नंबर। यानी ऐड करेंगे, यानी जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल के लिए आई और आई लिख दिया, यानी एक दो बार रिपीट हो गया, तो यानी क्या होगा ये 1 + 1 = 2। बात करें हम, जैसे मैंने एम और एम लिख दिया, तो एम की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया आपको 1000 1000 + 1000, ये इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 2000। बात करूँ जैसे मैंने लिख दिया सी, सी लिख दिया, सी की वैल्यू कितनी होती है 100, और 100 ऐड कर दिया मैंने, कितना आ जाएगा 200। यानी ऐसे हम क्या बता सकते हैं, रोमन न्यूमरल्स का पहला रूल है, यानी कोई भी लेटर एक से ज़्यादा बार यूज है तो उनको ऐड करेंगे उनकी वैल्यूज़ को, ईच टाइम हर बार उनकी वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। यानी वेहन ए लेटर यूज्ड मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा आ रहा है, वी ऐड उनको ऐड करेंगे इट्स वैल्यू, उनकी जो वैल्यू उनको ईच टाइम जितनी बार आ रहा है उतनी बार उसको क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। अब रूल नंबर टू पढ़ते हैं आगे, अब रूल नंबर टू देखते हैं हम। रूल नंबर टू क्या कहते हैं, वेहन ए सिंबल, वेहन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू। एड द टू वैल्यूज, यानी उन टू वैल्यूज को ऐड करेंगे। जैसे कोई भी कह रहा है, मैंने अभी पहले भी बताया था, इसमें अब इंट्रोडक्शन करवा रहा थोड़ा बहुत, मैं पहले सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट, मैंने क्या बताया राइट साइड में लिखी जाएगी उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, अब इसमें क्या होगा, ये तो क्या है वी क्या है 5 है, ये आई क्या है 1 है, आई क्या 1 है, ये ऐड होंगी, यानी इधर की साइड लिखी है, ये क्या लिखी है राइट साइड में लिखी है ना, ये जो स्मॉलर वैल्यू है स्मॉलर सिंबल की वैल्यू है ये राइट साइड में लिखी है लार्जर सिंबल के, लार्जर वैल्यू के सिंबल के, तो हम क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। ऐसे ही बात करें, जैसे मैंने लिख दिया सी एल एक्स वी लिख दिया, अब इसके अंदर बात करें तो सी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 100 होती है, अब एल छोटा होता है, एल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 50 होती है, और एक्स की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, और वी की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, तो इनको ऐड कर देंगे, तो 0 0 0 5 यानी 5, 5 + 1 6
और उसके बाद 1 165 आ गया, यानी इसको क्या रीड करेंगे 165, यानी ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब रूल नंबर थ्री की बात करते हैं। रूल नंबर थ्री क्या करें कि वेहन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू। अब ये कह रहा है वेन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू का सिंबल जो है उसको रिटर्न लिखा हो, कहाँ लिखा हो, लेफ्ट साइड में लिखा हो, यानी नंबर के, यानी ये तो क्या है स्मॉलर वैल्यू राइट साइड में लिखी है, ये क्या है राइट साइड में लिखी है, ये वैल्यू कहाँ लिखी है हमारे पास राइट साइड में लिखी है, और हमें अब लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में लिखी हो तो कैसे सोल्व करेंगे, तो तब क्या करना पड़ेगा द स्मॉलर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर वैल्यू, यानी स्मॉलर वैल्यू जो होगी वो क्या होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी लार्जर वैल्यू से। कैसे देखो, जैसे मैंने लिख दिया सी एम लिख दिया, अब सी की वैल्यू कितनी होती है, सी का सी जो है उसका वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, और एम की वैल्यू कितनी होती है, अब हमें पता चाहिए एम की वैल्यू 1000 होती है, कितनी होती है 1000 होती है, और सी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 100 होती है, यानी सी की वैल्यू तो कितनी हमारे पास 100 और एम की वैल्यू कितनी हमारे पास 1000 है। अब यहाँ से हम बता सकते हैं क्या कि ये स्मॉलर वैल्यू वो लेफ्ट साइड लिखिए तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 900, यानी इस पूरे नंबर को हम क्या रीड करेंगे 900 रीड करेंगे। बात करते कुछ और, जैसे मैंने लिख दिया एक्स एल लिख दिया, अब एल की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, एल की वैल्यू 50 होती है, और एक्स की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास उसका हमें पता है 10 होती है, एल की वैल्यू 50 और एक्स की वैल्यू 10। अब इसके अंदर बात करें हम तो अब जो एक्स है वो स्मॉलर वैल्यू है और लेफ्ट साइड लिखी है तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारे पास 40 आ जाएगी, यानी ऐसे हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं वैल्यूज़ को। अब हम बात करते हैं और आगे, यानी जैसे कुछ एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसके, जैसे मैंने लिख दिया सी डी को कैसे लिखेंगे, अब हमें पता है सी कितना होता है 100 और डी कितना होता है हमारे पास ये भी पता है हमें 500 होता है, तो डी की वैल्यू बड़ी है ना और ये लेफ्ट साइड में लिखा है तो 500 माइनस 100 यानी 400, यानी ऐसे हम क्या कर सकते हैं इसको रीड कर सकते हैं, क्या रीड करेंगे इसको 400 रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे इसको 400 रीड करेंगे। यानी हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम कुछ एक इनके की फैक्टर्स की बात और करते हैं, जैसे रिपीट नंबर कौन सा होगा और रिपीट कौन सा होगा। अब इसमें की पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं कौन से, जैसे सबसे पहली बात देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो, यानी जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है हमारे पास रोमन नंबर में, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स के लिए जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है। सेकंड थिंग, अब द सेम सिंबल कोई भी सिंबल है जैसे वन है या फिर बात करें हम कोई भी जैसे एक्स है, तो कोई भी सिंबल हो वो क्या हो सकता है मैक्सिमम 3 times रिपीट हो सकता है, सेम सिंबल कैन बी रिपीटेड 3 times टूगेदर, यानी एक साथ, यानी टूगेदर, यानी मैं बात कर रहा हूँ सेम सिंबल क्या वो रिपीट हो सकता है कितनी बार, सिर्फ 3 times ही रिपीट हो सकता है, यानी कोई भी नंबर है वो 3 times ही रिपीट हो सकता है, सेम सिंबल कैन बी रिपीटेड 3 times टूगेदर। और बात करते हैं हम कुछ सिंबल्स ऐसे भी जो रिपीट नहीं होते, जैसे 5, 50, 500, यानी बात करें हम 5 वाली सीरीज का, यानी 5, 50 और 500 को क्या लिखते हैं हम डी लिखते हैं, यानी 500, यानी VLD ये सिंबल्स क्या होते हैं नेवर रिपीट, ये क्या होते हैं नेवर रिपीट, ये एक रिपीट नहीं होते।
अब बात करते हैं हम आगे, जो वी एल डी हैं ये सिंबल सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते, नेवर सब्ट्रैक्ट, यानी ये लेफ्ट साइड नहीं लेके जाते, सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होते। अब बात करते हैं हम जैसे जो वन है, वन है वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है किस किस में से, फाइव में से, टेन में से, और टेन जो है वो सब्ट्रैक्ट होता है किस किस में से, एल में से और सी में से, यानी 50 में से और 100 में से, और सी जो है वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है किस में से, डी में से और एम के अंदर में से। यानी कहने का मतलब क्या है, वन को हम एल में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वन को हम एल में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं लिख सकते एल आई, ऐसे नहीं लिख सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते वन को हम, यानी 49 ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा ऐसे। यानी हम क्या, ये जो रूल्स हैं इनको ध्यान रखना पड़ेगा हमें, यानी वन किस में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, फाइव में से और टेन में से, यानी इसके जस्ट आगे वाले दो सिंबल में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है ये। अब टेन है ये जस्ट इसके आगे वाले दो सिंबल में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सी है ये इससे जस्ट आगे वाले दो सिंबल में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और वी एल डी है ये सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, वी एल डी है ये सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं है। यानी मैंने क्या क्या चीज़ें बताई कि एक तो जीरो का कोई सिंबल नहीं होता रोमन न्यूमरल्स में, एक वन और टेन जो है, जैसे कोई भी नंबर हो जैसे रोमन न्यूमरल्स में वी एल डी को छोड़कर, यानी कोई भी नंबर है उन वो थ्री टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, और ये रिपीट ही नहीं होंगे वी एल डी, यानी 550, 500। उसके बाद मैंने बताया कि सब्ट्रैक्ट क्या क्या होता है, यानी ये कभी सब्ट्रैक्ट कौन से सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी वन फाइव और टेन में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, टेन एल और सी यानी 50 और 100 में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और सी यानी 100, 500 और 1000 में सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम इसके बारे में एक्सरसाइज करेंगे, इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो इसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है, वीडियो को रिवाइंड करके पढ़ना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।